अमेरिकन साइको मूवी के एंड में एक्चुअल में हुआ क्या? क्या पैट्रिक बेटमैन ने सभी मर्डर सच में किए थे या फिर ये उसके मन का सिर्फ एक वहम था? वेल तो आज अमेरिकन साइको से जुड़े इन 20 फैक्ट्स में आपको ये सब कुछ पता चलने वाला है। लाइक एंड में जब बेटमैन पुलिस की तरफ शूट करता है तो उससे पुलिस कार्स एक्सप्लोड होने लगती है, जिसके बाद पैट्रिक अपनी गन की तरफ बहुत ही सरप्राइजिंग वे में देखता है कि ये कैसे हुआ, जो कि शायद एक हिंट था कि ये सब कुछ पैट्रिक के दिमाग में ही हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में गोलियों से कार का ऐसा उड़ना पॉसिबल नहीं था, जो कि इस दिन में पैट्रिक को भी रियलाइज होता है। और इसी जुड़े मेरी नेक्स्ट डिटेल, क्योंकि मूवी के सीन में जब बैटमैन पॉल एलन की डेड बॉडी को खींचकर बाहर लाता है तो उस टाइम वो फ्लोर पर ये ब्लड छोड़ते हुए जाता है, पर जब पैट्रिक को होटल के बाहर दिखाते हैं तो उस टाइम उसके पीछे ब्लड की एक भी ड्रॉप नहीं होती। तो आप इसे सिंपल एक मिस्टेक भी कह सकते हो, बट आई थिंक इस सीन को हमें दो पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट पैट्रिक बैटमैन के पर्सपेक्टिव से, कि उसने पॉल एलन को मारा है और वो उसकी डेड बॉडी को बाहर ले जा रहा है, एंड सेकंड नॉर्मल और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, कि पैट्रिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये सब कुछ उसके दिमाग का सिर्फ एक खेल है। क्योंकि अगर पैट्रिक रियलिटी में बॉडी को ऐसे खून भी घेरते हुए ले जाता तो ये गार्ड उसे डेफिनेटली नोटिस करता। एंड अमेरिकन साइको में पैट्रिक बैटमैन की मेंटल इलनेस के भी हिंट दिए गए हैं कि वो किसी तरह की मेंटल इलनेस का शिकार है, क्योंकि पॉल एलन के मर्डर से पहले पैट्रिक को किसी तरह की मेडिसिन लेते हुए दिखाया जाता है, और बाद में जब उसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है तो उस टाइम जीन से बात करते हुए भी पैट्रिक सेम मेडिसिन को लेता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बैटमैन इस मेडिसिन को अपने मेंटल इश्यूज को मेंटेन करने के लिए लेता होगा, ताकि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। और जैसा बिहेवियर पैट्रिक बैटमैन का इस मूवी में होता है, तो ये सभी सिम्टम्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पाए जाते हैं। क्योंकि पैट्रिक जब वेरोनिका से क्लीनर्स में मिलता है तो उसके साथ नॉर्मली बात करने की कोशिश करता है, बट सोप से निकलते ही जस्ट फॉर स्प्लिट सेकंड बैटमैन के एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो तारीफ करनी पड़ेगी क्रिस्टन बेल की एक्टिंग की, एंड सेकंडली से ये भी पता चलता है कि पैट्रिक बैटमैन लोगों के साथ बात करते वक्त अपने चेहरे पर एक मुखौटा बना के रखता है, बल्कि इंटरनली वो ऐसा है। इसका एक और हिंट हमें इस सीन में भी दिया गया था, जिसमें डिटेक्टिव किम्बल पैट्रिक से बात करते हुए एक सीडी की मस्त उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन मारता है, जिस पर बैटमैन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, मीनिंग कि पैट्रिक बैटमैन अंदर से बिल्कुल ही डेड हो चुका है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऑलमोस्ट पूरी मूवी में पैट्रिक को ज्यादातर व्हाइट बॉक्सेस में ही दिखाया गया है, जो कि सिंबलाइज करता है कि कैसे वो अपने साइको बिहेवियर को हाइड करने के लिए हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क बनाए रखता है। बट एंडिंग में उसके कन्फेशन के बाद फर्स्ट टाइम में बैटमैन रेड बॉक्सेस में देखने को मिलता है, जो कि हिंट था कि अब वो अपने साइको बिहेवियर को और कंट्रोल नहीं कर सकता या फिर वो उसे और छिपाना नहीं चाहता। क्योंकि फोन पर कन्फेशन करने के बाद भी पैट्रिक अपने लॉयर के सामने एक बार और अपने क्राइम को कन्फेस करता है। एंड स्पीकिंग ऑफ कन्फेशन, एंड में जब पैट्रिक फोन पर अपने लॉयर को कन्फेस करता है कि वो एक सीरियल किलर है, तो इस सिंगल सीन को टोटल 14 टेक्स में शूट किया गया था, क्योंकि डायरेक्टर मैरी हेरन हर एक टेक के बाद क्रिस्टन बेल को फिर से सीन करने को कहती थी, ताकि बेल इसे ज्यादा से ज्यादा नेचुरली एंड इम्प्रोवाइज तरीके से कर सके। और इस मूवी में क्रिस्टन बेल के बहुत से इम्प्रोवाइज सीन्स हैं, जिनमें जब रोप जंप करते हुए बीच बीच में पैट्रिक स्किप एंड क्रॉस जंप करता है तो ये एक्ट इम्प्रोवाइज था, जो कि देखने में बिल्कुल नेचुरल लगता है। और साथ ही पॉल एलन को मारने से पहले जब पैट्रिक एस के साथ ये जो मून वॉक करता है और उसके बाद ये डांसिंग सीन, तो ये दोनों ही एक्ट भी इम्प्रोवाइज थे। और शायद ही आप में से किसी को पता हो, बट इस मूवी में दिखाया गया पैट्रिक बैटमैन का कैरेक्टर एक्चुअल में एक्टर टॉम क्रूज से इंस्पायर्ड है। यस, बैटमैन को प्ले करने से पहले क्रिस्टन बेल ने टॉम क्रूज के इस लेट शो विद डेविड लेटरमैन वाले इंटरव्यू को देखा था, और इसमें टॉम क्रूज की अपीयरेंस से इंस्पायर होकर ही बेल ने पैट्रिक बैटमैन को प्ले किया था। और जब क्रिस्टन बेल को पैट्रिक बैटमैन का रोल मिला था तो उस टाइम बहुत से लोगों ने इन्हें वॉर्न भी किया था कि इस तरह की मूवी में लीड रोल करना एक कैरियर सुसाइड होगा, जिसके बाद बेल इस रोल को करने के लिए और भी ईगर एंड एक्साइटेड हो गए थे, जिस दौरान इन्होंने 9 महीने तक किसी और दूसरी मूवी के लिए कोई भी ऑडिशन नहीं दिया था, ताकि ये पैट्रिक बैटमैन को प्ले कर पाए। एंड अमेरिकन साइको में क्रिस्टन बेल की ये परफॉर्मेंस इनकी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस रही थी, और पैट्रिक बैटमैन का कैरेक्टर बेल के लिए कैरियर सुसाइड की जगह सक्सेसफुल साबित हुआ था। वेल तो जैसा कि इस मूवी की टोन थी और पैट्रिक बैटमैन के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बहुत से जाने माने ब्रांड्स ने इस मूवी में अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने से मना कर दिया था। लाइक इस मूवी में क्रिस्टन बेल के अलावा हर कोई रोलेक्स की वॉचेस पहन सकता था, जिसकी वजह से नोवेल की एक फेमस लाइन डोंट टच द रोलेक्स को इस मूवी में डोंट टच द वॉच में चेंज किया गया था। शहरुद्दीन, जिस ब्रांड के पैट्रिक ने इस मूवी में कपड़े पहने हैं, तो किलिंग एंड मर्डर सीन्स में क्रिस्टन बेल को ये ब्रांड पहनना अलाउड नहीं था, एंड अंडरवेयर सीन्स के लिए ओरिजिनली कैल्विन क्लाइन का यूज किया जाता, बट इनके मना करने के बाद पैरी एलिस ब्रांड का यूज किया गया था। और इस पूरी मूवी में सिर्फ 3 ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि पैट्रिक के मर्डर अटैक से बच पाए हैं, जिनमें सबसे पहले तो है बिल्ली, सेकंड लुइस क्रैडर्स एंड थर्ड पैट्रिक की सेक्रेटरी जीन। और जहां आज के टाइम में मूवीज का ज्यादातर पैसा सीजीआई इंडिविजुअल इफेक्ट्स में लगता है, तो अमेरिकन साइको का ज्यादातर कॉस्ट इस मूवी के सॉन्ग्स पर हुआ था।
था, क्योंकि मूवी में पैट्रिक को जितने भी डिफरेंट सॉन्ग को सुनते हुए दिखाया गया है, तो फिल्म मेकर्स को उस हर एक सॉन्ग के राइट्स को खरीदना पड़ा था, जो कि इस मूवी का सबसे बिगेस्ट कॉस्ट था। वेल, एक्टर क्रिस्टियन बेल की एक्टिंग के तो सब दीवाने हैं ही, बट इस मूवी में बेल ने कुछ ऐसा किया था जिससे कि इस मूवी के डायरेक्टर और उनके को स्टार बिल्कुल ही सरप्राइज थे, जो कि था स्वेट कंट्रोल। क्योंकि इस इनफेमस बिजनेस कार्ड वाले सीन में जब पैट्रिक बैटमैन को पसीना आता है, तो ये क्रिस्टियन बेल ने खुद ही किया था बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के, क्योंकि इनका अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा कंट्रोल है, जिसे देखकर फिल्मिंग के टाइम सभी हैरान थे। और इसी सीन में जब ये सभी अपने अपने कार्स को दिखाते हैं, तो चाहे इन सभी कार्स की राइटिंग एंड टेक्सचर्स अलग अलग हों, बट इन सभी पर सेम सीरियल नंबर, सेम एड्रेस और उनको सेम ही कंपनी ने बनाया होता है, पियर्स एंड पियर्स। बट इनमें से पैट्रिक बैटमैन के कार्ड में छोटी सी मिस्टेक भी होती है, जिसमें उसके कंपनी नेम यानी पियर्स एंड पियर्स में स्पेस नहीं होता, या फिर ये इंटेंशनली भी हो सकता है। एंड मूवी में पैट्रिक बैटमैन को डिटेक्टिव किम्बल के साथ जितने भी डिफरेंट सीन्स में दिखाया गया है, तो डायरेक्टर मैरी हेरन ने एक्टर विलियम डफो को अपने इन सीन्स को तीन डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करने के लिए कहा हुआ था। वन, कि उसे पता है कि पैट्रिक बैटमैन ही किलर है। टू, उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि पैट्रिक बैटमैन किलर है। एंड थ्री, कि उसे सिर्फ शक है कि पैट्रिक ही किलर है, ताकि व्यूअर्स खुद डिसाइड कर पाएं कि डिटेक्टिव किम्बल को पैट्रिक के क्राइम्स के बारे में पता है या नहीं। अमेरिकन साइको मूवी का रन टाइम 1 घंटे 42 मिनट है, और इस मूवी में हमें जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं, तो उन सभी में हमें पैट्रिक बैटमैन को भी दिखाया गया है, सिर्फ एक सीन को छोड़कर। और वो सीन ये है जब एंड में पैट्रिक की सेक्रेटरी जीन उसकी डायरी को देखती है। इसके अलावा इस मूवी का कोई भी सीन पैट्रिक के बिना नहीं है। एंड मूवी के स्टार्टिंग में पैट्रिक बैटमैन अपने जिस मॉर्निंग रूटीन को बताता है, तो इसी सेम रूटीन को एक्टर क्रिस्टियन बेल इस मूवी के प्रोडक्शन के टाइम फॉलो किया करते थे। और अपने इसी मॉर्निंग रूटीन के दौरान जब पैट्रिक अपने फेस से सिलिकॉन मास्क को उतारता है, तो डायरेक्टर मैरी हेरन इस सीन को लेकर बहुत ही परेशान थी कि इस सीन को मास्क के टूटने और खराब होने की वजह से इन्हें कई बार शूट करना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली सिलिकॉन मास्क फर्स्ट टेक में ही बिल्कुल सीधा निकल गया था। और हालांकि पैट्रिक बैटमैन को इस मूवी में एक बहुत ही अमीर आदमी की तरह दिखाया गया हो, बट इस पूरी मूवी में उसे एक बार भी ऑफिस वर्क करते हुए दिखाया नहीं गया। वेल, तो मैंने इस वीडियो में पैट्रिक बैटमैन की मेंटल इलनेस से लेकर बहुत सी ऐसी डिटेल्स दी हैं, जिससे कि साबित होता है कि इस मूवी में जो कुछ भी हुआ है वो पैट्रिक के दिमाग का ही खेल है। इसका एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये सीन है, जिसमें पैट्रिक को एक एटीएम मशीन पर लिखा दिखता है, फीड मी ए स्ट्रे कैट। और आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी एटीएम मशीन उसमें से पैसे निकालने के लिए उसे कैट खिलाने के लिए नहीं कहती। बट डायरेक्टर मैरी हेरन ने इस मूवी को व्यूवर्स पर ही छोड़ा हुआ है कि वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जैसा चाहे वैसा एंडिंग को मान सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, बट आप मेरी इन सब वीडियोस को देख सकते हो।